हेलो फ्रेंड्स माय सेल प्रदीप सारायण एम बी स्टूडेंट आज अपन बात करने वाले हैं आईसो एनजैम की बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस बहुत बार एग्जाम में पूछता है शॉर्ट नोट में फाइव मार्क्स में तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं आइसो एंजाइम होते क्या आइसो एंजैम को अपन आइसोजाइम्स भी कहते हैं एक ही इंजाइम के बहुत सारे फॉर्म और वो बहुत सारे फॉर्म एक सेम रिएक्शन को कैटेलाइज करते हैं उसे अपन आइसो एंजाइम कहते हैं मैंने लिखा भी है दी मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ एन इंजाइम कैटेलाइजिंग द सेम रिएक्शन आर Called isoenzyme or isozymes. They, however, differ in their physical and chemical properties, which include KM. वी मैक्स पी एच ओप्टीम स्ट्रक्चर इलेक्ट्रोफोरेटिक एंड इम्यूनोलॉजिकल प्रॉपर्टीज रिलेटिव ससेप्टिबिलिटी टू इनिबिटर्स एंड डिग्री ऑफ डी नेचुरेशन आइसो इंज ऑफ लेक्टेड डिहाइड्रोजीनेस एल डी एस कहते हैं शॉर्टफॉर्म में हैव इमेज वैल्यू इन द डायग्नोसिस ऑफ हार्ट एंड लीवर रिलेटेड डिसऑर्डर मैं आपको बता दूँ लेक्टेड डिहाइड्रोजीनेस के फाइव आइसो इंज होते हैं एल डी एस वन टू थ्री फोर एंड फाइव तो सबसे ज़्यादा जो अमाउंट में रहता है वो एल डी एस टू रहता है पैंतीस परसेंट फिर उसके बाद एल डी एस थ्री सत्ताईस परसेंट फिर उसके बाद एल डी एस वन पच्चीस परसेंट एल डी एस फोर आठ परसेंट रहता है एंड एल डी एस फाइव फाइव परसेंट रहता है इन सभी को याद करने के लिए टू थ्री वन फोर फाइव सबसे ज़्यादा अमाउंट में एल डी एस टू रहता है फिर थ्री रहता, 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 रहता है फिर वन रहता है फिर फोर रहता है फिर फाइव रहता है मैंने आगे लिखा भी है इन हेल्दी इंडिविजुअल द एक्टिविटी ऑफ एल डी एस टू इज़ हायर देन दैट ऑफ एल डी एच वन इन सीरम हेल्दी इंडिविजुअल में एल डी एस टू ज़्यादा रहता है एल डी एच वन से मैंने पीछे परसेंटेज भी लिखे तो उससे भी आप कंपेयर कर सकते हैं अब मैं बात करूँ मायोकार्डियल इन्फेक्शन की इन केस ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन एल डी एस वन इज मच ग्रेटर देन एल डी एस टू एंड दिस हैपन्स विद इन ट्वेल्व टू ट्वेंटी फोर आवर्स आफ्टर इन्फेक्शन माओकार्डियल इन्फेक्शन में एल डी एस वन का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है एल डी एस टू के कंपेरिजन में ट्वेल्व टू ट्वेंटी फोर आवर्स ऑफ आफ्टर इन्फेक्शन इन्फेक्शन के बारह से चौबीस घंटे के अंदर ये हो जाता है इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ एल डी एस फाइव इन सीरम इज़ एन इंडिकेटर ऑफ़ लीवर डिजीज़ एल डी एस फाइव का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है तो ये क्या इंडिकेट करता है लीवर डिजीज़ को इंडिकेट करता है मैंने इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑफ ऑफ्लेक्टेड डिहाइड्रोजिनस विद रिलेटिव पोर्स ऑफ आइसेंजम का एक कुछ फिगर बनाए हैं तो सबसे पहले जो दिखा रहा है वो है नॉर्मल सीरम का तो देखो ये एल डी एस वन है फिर टू है थ्री है फिर फोर है फिर फाइव है ठीक है दूसरा मैंने बनाया सीरम फ्रॉम ए पेशेंट ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन मैंने पीछे बताया इन केस ऑफ माओकारडियल इन्फेक्शन द एक्टिविटी ऑफ एल डी एस वन इज़ हायर देन दैट ऑफ एल डी एस टू इन सीरम इन सीरम में एल डी एस वन का मात्रा ज़्यादा होगा एल डी एस टू से मायोकार्डियल इन्फेक्शन के केस में तो यहाँ पे देखो ना एल डी एस वन ज्यादा एल डी एस टू से फिर एल डी एस थ्री फोर और फाइव तो ये ग्राफ अपन समझ सकते हैं ये काय है, का है मायोकार्डियल इन्फेक्शन का है सी मैंने बनाया सीरम फ्रॉम ए पेशेंट ऑफ लीवर डिजीज तो मैंने पीछे लिखा है इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ एल डी एस फाइव इन सीरम इज एन इंडिकेटर ऑफ लीवर डिजीज देखो ना एल डी एस वन टू थ्री फोर सबसे ज्यादा कौन सा है फाइव का तो सीरम में एल डी एस फाइव की एक्टिविटी इंक्रीज होती है तो ये काय का इंडिकेट कर रहा है लीवर डिजीज का आई होप इट इज क्लियर थैंक यू दोस्तों इंजाइम टॉपिक से जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है वो मैंने आपको सारे कवर करवा दिए विद नोट्स के साथ और मैंने इंजाइम की एक नई प्लेलिस्ट बना दी है और आपको सारे टॉपिक्स उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे दोस्तों मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू